ठीक है, लेट अस कंटिन्यू टुडे। आज हम सीरीज में लेक्चर स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। आज हम इन्फ्लेशन को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे एंड आज की क्लास के बाद आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड काफी बातें विल बी वेरी क्लियर टू यू। इन्फ्लेशन विल नो मोर बी अ चैलेंज व्हेन यू विल टेक दिस सेशन ऑन इन्फ्लेशन टुडे। तो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये लिखे व्हाट इज इन्फ्लेशन एक्चुअली। इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन एक्चुअली, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चालू कीजिए। अ जनरल राइज इन प्राइस विद टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अ जनरल राइज इन प्राइस विद टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अ जनरल राइज इन प्राइस विद टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अ जनरल राइज, अगर प्राइजेस जनरली बढ़ते रहे टाइम के हिसाब से तो फिर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टूडे द प्राइज इज 100 रुपीज एंड लेट से नेक्स्ट ईयर ऑन द सेम डेट प्राइज हैज बिकम 110, तो ऑब्वियस बात है देर इज अ राइज ऑफ 10 रुपीज फॉर 100 रुपीज बेस वैल्यू। 10 रुपीज का राइज हुआ नहीं हुआ, 100 रुपए आज की डेट में है, तो लेट अस से आज 2019 में 100 रुपीज का प्राइज है, कल 2020 में एक साल बाद ये 110 रुपए का प्राइज हो गया, तो कितना राइज हुआ प्राइज में, राइज इन प्राइस फॉर वन ईयर इज ₹10। और ये अगर परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंटेज में राइज हुआ, तो कितना राइज हुआ और कितनी वैल्यू पे हुआ, तो परसेंटेज में राइज कैसे देखेंगे, राइज कितना हुआ, कितनी वैल्यू पे हुआ एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 110 हो गया, अब तो कितना राइज हो गया जी, 10 रुपी का। कितनी बेस वैल्यू पे, बेस वैल्यू मतलब जिसके कंपैरिजन में हमने देखा वो 100 थी, तो यहां से कितना इन्फ्लेशन निकल के आ गया हमारा, इन्फ्लेशन यहां से निकल के आ गया सीधा सीधा 10% की। एक साल में महंगाई दर क्या रहा, 10% का रहा। एक साल में इन्फ्लेशन का रेट कितना रहा, 10% रहा। तो अब आप इसे किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं, लेट अस से आज 5 रुपीज की चीज है कल 6 रुपीज की हो गई, तो इन्फ्लेशन का रेट आज और कल में क्या है देख लेंगे हम, कितना राइज है, कितनी वैल्यू पे है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहां तक समझ आ गया सभी को इन्फ्लेशन का राइज कैसे निकालते हैं। आगे लिखो प्लीज, राइट नेक्स्ट थिंग। इन्फ्लेशन इज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। इन्फ्लेशन इज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। आगे लिखो, नंबर वन वो फैक्टर क्या है जिसपे इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, फैक्टर के टर्म्स में पहला फैक्टर जिसपे इन्फ्लेशन डिपेंड करता है आपका सबसे पहला वो है कि इट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब इसमें टाइम रिलेटेड आस्पेक्ट है। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली किसी टाइम से किसी टाइम पीरियड के बीच देखते हैं, तो इसमें टाइम का एस्पेक्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको, तो इन्फ्लेशन हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साल की इन्फ्लेशन देखें तो जनरली वो ज्यादा होगी बजाय एक दिन की इन्फ्लेशन से, मतलब एक दिन में प्राइस इतना नहीं बढ़ेगा जितना जनरली एक साल या दो साल में बढ़ जाएगा। नो, ये जनरल बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट जनरल बात जो ये है वो ये है कि प्राइस हमेशा एवरेज बेसिस पे लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में तो छोटे मोटे स्पाइक होते हैं, वो बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, वो स्पाइक बैलेंस हो जाते हैं। एवरेज जो बढ़ता है प्राइस वो एक साल के तौर पे देखा जाता है। अगली बात लिखो, पहली बात तो ये कि टेम्पोरल है और दूसरी बात ये इसमें एक बेस इफेक्ट है। सेकेंड नंबर पे लिखिए, इन्फ्लेशन इज डिटरमाइंड बाय बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट, इसकी बेस वैल्यू कितना है ये भी मैटर करता है। बेस वैल्यू मान लीजिए मैं कहूं 10 रुपए का प्राइस बढ़ा, लेकिन 10 रुपए का प्राइस बढ़ा 1000 रुपए पे और 10 रुपए का प्राइस बढ़ा 100 रुपए पे, अगर 100 रुपए पे बढ़े तो इट बिकम्स 10%, बट अगर 1000 रुपीज पे बढ़े तो इट इज जस्ट 1%। नहीं समझे मेरी बात को, राइस मैटर नहीं करता, राइस के साथ साथ क्या मैटर करता है, वो राइस कितने बेस पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज द राइस, इतना प्राइस गेन हुआ है, अगर ये प्राइस इतने बड़े बेस पे होगा कंपैरेटिवली, ये प्राइस अगर इस बेस पे होगा, कहां इन्फ्लेशन ज्यादा दिखेगी आपको, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, इस केस में या इस केस में, सेकंड केस में, इस केस में, क्योंकि यहां पे इतने बड़े बेस पे ये राइज हो रहा है और यहां पे इतने से बेस पे इतना राइज हो गया, राइज तो मैटर करता ही है। लेट अस से वन मोर केस,
इस बेस पे ये राइज हुआ। अब आप अगर मैं आपसे कहूं कि इन्फ्लेशन का रेट इनमें सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां होगा, क्या आप कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो? तो बताओ सबसे कम कहां होगा? फर्स्ट वाले में ही, क्योंकि यहां पे इतनी बड़ी वैल्यू पे भी नेग्लेजिबल राइज है, और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यहां पे है क्योंकि यहां इतनी छोटी वैल्यू पे भी इतना ज्यादा राइज है। तो ये दोनों बातें मैटर करती है नहीं करती, क्या एक राइज कितना हो रहा है और एक किस बेस पे हो रहा है। अब राइज कितना हो रहा है ये टेम्पोरल हो गया, क्योंकि टेम्पोरल डिसाइड करता है, टाइम के हिसाब से राइज होता है। जनरली इकोनॉमिक्स में टाइम के हिसाब से राइज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप फोन लेते थे पहले, फोन पहले सस्ते होते थे, अब थोड़े महंगे हो गए हैं। पहले 2000 रुपए के भी फोन आते थे, अब लोग 15000 से कम का फोन नहीं लेना पसंद करते, 20000 के लेने लगे, 50000 के। पहले मिल्क की बेसिक कमोडिटी का जो प्राइस था वो 1 रुपी 2 रुपी था, आजकल 50 रुपीज के राउंड हो गया है। मे बी फ्यूचर में 20 साल और आगे अगर हम देखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, मे बी 70 रुपीज 80 रुपीज तक पहुंच जाएगा। एक एक दो दो रुपए पर साल बढ़ता रहता है कुछ ना कुछ। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जो टेम्पोरल आस्पेक्ट है, टाइम का आस्पेक्ट है, टाइम का आस्पेक्ट डिटरमाइन करता है कितना राइज होगा। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा राइज होगा। और सेकेंड क्या है, वे बेस डिसाइड करता है वैल्यू क्या है जिसपे बढ़ रहा है। तो टाइम डिसाइड करेगा राइज कितना हो रहा है, और बेस डिसाइड करेगा किस पे बढ़ रहा है। तो दो बातें यहां पे कौन कौन सी हो गई, एक कितना बढ़ रहा है और एक किस वैल्यू पे बढ़ रहा है। हाउ मच इज राइस, ऑन व्हाट वैल्यू इज द राइस। कितना बढ़ रहा है मतलब राइस इन द वैल्यू, एंड किस वैल्यू पे बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन इन दोनों से ही मिलके निकलता है। यहां तक समझ आ गई वाली बात आपको? आगे लिखो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन नंबर वन, सबसे पहला तो आपका यही है विच इज वी कॉल एज टाइप्स में, सबसे पहला टाइप यहां पर आता है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन वो होता है जनरली जहां पे प्राइस में देर इज स्लो एंड ग्रेजुअल राइज इन प्राइस। अगर धीरे धीरे प्राइस में राइज हो तो उसे हम लो इन्फ्लेशन कहते हैं। इट मे बी इन द रेंज ऑफ 5%, 7%, 8%। ये इन्फ्लेशन जनरली लो इन्फ्लेशन बोली जाती है, 6% भी लो ही बोली जाती है, 7% भी। सेकेंड केस इसमें आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग का मतलब वो इन्फ्लेशन जो गैलोप, गैलोप मतलब एकदम से बढ़ रही है, एकदम से इन्फ्लेट कर रही है, बलून गुब्बारे की तरह फूल रही है। तो ऐसी इन्फ्लेशन जो गुब्बारे की तरह फूलती है, यहां पर एकदम से शार्प राइज होता है, शार्प राइज इन प्राइस, शार्प राइज इन प्राइस। जनरली कई बार शेयर मार्केट में ऐसा हो जाता है कुछ शेयर एकदम से गैलोप कर जाते हैं। कल रात शाम तक ट्रेडिंग हुई, शेयर सस्ता था, लेकिन आज सुबह शेयर एकदम से उछाल के साथ खुला, एकदम से प्राइस राइज हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। ऐसे केस में वहां पर क्या लेते हैं हम लोग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और एक इसमें सबसे एक्सट्रीम केस जो आता है, जो बहुत 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 रेयर है, वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वहां पर वेरी 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 स्टीप प्राइस होता है, प्राइस में वेरी वेरी स्टीप प्राइस, वेरी वेरी स्टीप प्राइस। अगर मैं आपको बताऊं यहां पे 10% तक जनरली मैक्सिमम लो इन्फ्लेशन, 10% से 200 या 250% तक गैलोपिंग इन्फ्लेशन, 200-250% से आगे आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक बार देखी गई थी जर्मनी में, आपने पढ़ा होगा ग्रेट, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1928 के बाद, तो जर्मनी की करेंसी एकदम से फॉल हो गई थी। वहां पे ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा पढ़ने में आता है कि लोग एक ब्रेड का टुकड़ा खरीद के जाने के लिए नोटों का एक गाड़ी भर के लेके जाते थे, इतनी ज्यादा चीजें महंगी हो गई थी। अब वो कैसे होता है मैं आपको जरा बताऊंगा अभी। वेनेजुएला में इस वक्त यही चल रहा है, वेनेजुएला में क्राइसिस हो रहे हैं, उनकी जो करेंसी है बोलीवार वो एकदम से गिर रही है। और करेंसी के गिरने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर चीजें एकदम से महंगी होती जा रही है। ये मार्कर आज 2 रुपए का है, कल 20 रुपए, अगले दिन 40 रुपए, फिर 500 रुपए, 500 रुपए का ये मार्कर है। 2 रुपए का था 4-5 दिन पहले, कितने परसेंट इन्फ्लेशन हो गई, समझ आ रही है? बहुत गुना, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन। ये तभी होता है जब इकोनॉमी लगता है एकदम डेड है, देयर इज नो चांस इन इकोनॉमी, ये तब होता है। अभी हम एक एक करके इनको रीजंस को पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों है, इन्फ्लेशन घटती क्यों है, क्या क्या रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ने में। आइए, ये समझ आए आपको तीन टाइप्स
इन्फ्लेशन के जो टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स इन्फ्लेशन के, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। आगे लिखो इसके बाद इन्फ्लेशन में अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो इतने मेन नहीं है बट थोड़े मोटे और टाइप के हैं, अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर वन कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन वर्ड है आपका कोर, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए ये डेवलप्ड वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का मेन रीजन है। डेवलप्ड वर्ल्ड में दो चीजों में कभी इन्फ्लेशन नहीं होता, कौन कौन सी चीजें, एक फूड और एक एनर्जी। और इंडिया में उल्टा है, अभी आपको बताता हूं। फूड में राइस कब होता है? जब फूड की डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तभी उस चीज का प्राइस बढ़ता है, यही इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटता है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ जाए, अगर वो चीज की मांग एकदम से मार्केट में ज्यादा हो जाए तो महंगी हो जाएगी, ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। आज इस मार्कर को खरीदने वाले 10 लोग हैं, कल इसी मार्कर को खरीदने वाले 20 लोग आके खड़े हो जाए मैं महंगा बेचूंगा इसे, परसों 30 लोग आके खड़े हो जाए मैं और महंगा बेचूंगा। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की मांग होती है मैं उतना महंगा बेचता हूं उसे। नाउ सुनिएगा, डेवलप्ड वर्ल्ड में कैन वी से पॉपुलेशन लगभग स्टेबल हो चुकी है, भारत की तरह नहीं है, वहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या आबादी लगभग स्थिर हो चुकी है। खाना जो है अगर एक लेवल में सभी लोगों तक पहुंच गया है तो उसकी मांग दोबारा अगले साल और ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि और ज्यादा खाना तब चाहिए होता है जब पॉपुलेशन और ज्यादा होती है। भारत का केस और अमेरिका का केस में यही अंतर है, भारत को हर साल नए लोगों को खिलाने के लिए और फूड चाहिए, लेकिन अमेरिका का लास्ट ईयर और इस ईयर का फूड लगभग सेम है। अब एनर्जी की बात करते हैं, भारत में क्या है, डेवलपमेंट हो चुका है या हो रहा है? हो रहा है, हम पहली बार गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं, पहली बार हम गांवों का, वी आर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रीफाइंग आर विलेजेस। नो व्हेन वी आर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रीफाइंग आर विलेजेस, सो व्हाट इज हैपनिंग, द थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज दैट पीपल आर कंज्यूमिंग मोर एनर्जी बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम। When you will get energy for the first time, then obvious बात है, you were not counted in the previous year, but now on you will be counted. अब हमने आपको दे दिया, अब आपको count करेंगे, उसके बाद आपका consumption बढ़ेगा, और consumption बढ़ेगा तो क्या होगा? Consumption बढ़ेगा तो क्या होगा? Obvious बात है, consumption बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये लोग demand कर रहे हैं energy की। Can we say हम जितना consume कर रहे हैं इसका मतलब हम उतनी demand करना चाह रहे हैं, क्योंकि demand करते हैं तभी जाके consume होता है। अगर demand बढ़ेगी तो price घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, बट फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, उनमें एनर्जी लेवल सबका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, सब तक एनर्जी पहुंच चुकी है, तो उनमें गेन इन डिमांड इतना नहीं होता। बट इंडिया में वी आर गिविंग एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कहां ज्यादा एनर्जी में डिमांड होगा? इंडिया में। तो ये जो डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम देखें, डेवलप्ड वर्ल्ड का बेस बेशक बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन का, बट वो सबको पहुंचा चुके हैं, वो सबको एनर्जी दे चुके हैं, इसलिए गेन उनमें ज्यादा नहीं होता। लेकिन इंडिया का क्या है, इंडिया का बेस बढ़ रहा है, और वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हम एडिशनल कर रहे हैं हर बार, हम हर बार ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये केस समझ आ रहा है दोनों में क्या है? यूएस में बेस बढ़ा है, अच्छी खासी डिमांड है वहां पे, बट वहां पे गेन नहीं है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन में राइज नहीं हो रहा, वहां सबका पहले ही एनर्जी पहुंच चुकी है, कोई न्यू एंट्री है ही नहीं वहां पे लिस्ट में। लेकिन हमारे यहां क्या है, हर बार हम नए विलेजेस का, नए रूरल एरियाज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां गेन ज्यादा हो रहा है। तो अब आप जल्दी से एक लाइन लिखो, कोर इन्फ्लेशन में एक लाइन लिखिए, ऐसे करके कॉलम बना के, एक तरफ लिखिए डेवलपिंग और एक तरफ लिखिए डेवलप्ड, कॉलम बना के डेवलपिंग और डेवलप्ड। डेवलपिंग में लिखिए